तीसरी शर्त तकलीफ। तकलीफ, इंसान उम्र के कुछ मरहले में पहुंचने के बाद शरीयत के अहकाम का पाबंद हो जाता है। यानी कि पैदा होते ही वो पाबंद हो गया, पैदा होने के बाद ही वो शरीयत के अहकाम का पाबंद नहीं होता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, रफ़ा अल कलमु अन सलास, कलम तीन किस्म के लोगों से उठा लिया गया है। तो उसमें एक है वह अन सबी हत्ता यहतलिम, बच्चे के ऊपर से भी अल्लाह ने कलम उठा लिया यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए। तो बुलोगत से पहले तक कलम उठा हुआ है यानी वो पाबंद नहीं है। कलम उठा हुआ का मतलब वो शरीयत के अहकाम का पाबंद नहीं है, उस पर पकड़ नहीं होगी। अगर कुछ गलतियाँ उसकी ज़िंदगी में आ जाती हैं बुलोगत से पहले पहले, तो उन गलतियों पर उस शख्स की पकड़ नहीं होगी। तो बड़ा अच्छा है, बड़ों को जो काम ख़राब करना रहे बच्चों से करवा लें, क्योंकि उस पर उनकी पकड़ नहीं है। मिसाल के तौर पर फलां से अदावत है, दुश्मनी है, फलां शख्स से पड़ोसी है, फलां है, तो हम करेंगे तो हमारी पकड़ हो जाएगी। तो क्यों ना बच्चों को लगा दिया जाए, बच्चे उस काम को अंजाम दे ले। मिसाल के तौर पर आग लगा दें फलां के घर में, फलां की दुकान में, और बाद में माजर कर दें बच्चा है और फिर कलम कलम उठा लिया गया है, तो कोई पकड़ नहीं। तो क्या ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कलम उठा लिया गया क्योंकि बच्चे से गलती हो रही है, ऐसा कहना सही होगा? या अज खुद बच्चा ऐसा कर बैठे, यहां तो किसी के उकसाने पर कर रहा है, लेकिन अज खुद भी ऐसा कर सकता है, उसका बचपना ऐसा मुमकिन है कि कर बैठे? कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़े लोगों की निगाह में बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं, बड़ी उनकी हैसियत होती है, पर बच्चों की निगाह में उसकी हैसियत कुछ भी नहीं होती, उसकी कुछ भी हैसियत नहीं समझते, आम चीज़ों जैसी समझते हैं, और कुछ ही देर में उसको बराबर कर देते हैं। तो अगर किसी के उकसाने पर या खुद से किसी के उकसाने पर यह होगा कि जो शख्स ऐसा सबब बन रहा है वो उस पर पकड़ा जाएगा, जो शख्स सबब बन रहा है पकड़ उसकी हो जाएगी कि बच्चों को आलेकार बनाया। लेकिन बच्चे अगर ऐसा अज खुद कर बैठे तो क्या ये कहना काफ़ी होगा कि कलम उठा लिया गया? और फलां का इतना बड़ा जो नुकसान हुआ उसका क्या होगा? जानी नुकसान भी हो सकता है, माली नुकसान भी हो सकता है, ऐसा होता है। तो क्या इस हदीस को ऐसे मौके पर पेश किया जा सकता है? क्या सोचते हैं, छोड़ दिया जाए? क्योंकि वो हदीस पेश कर रहा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रफ़ा अल कलमु अन सलास वा अन सबी हत्ता यहतलिम, कि तीन किस्म के लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम उठा लिया है। आप कौन होते हैं पकड़ने वाले? रब ने माफ कर दिया तो रब के हुक्म की पाबंदी आप नहीं करेंगे? करना चाहिए पाबंदी कि नहीं? बड़ों को क्या करेंगे, पकड़ेंगे बच्चे को? घर वालों को पकड़ेंगे? जुर्म कोई करे पकड़ा कोई और जाए, क्या ऐसा हो सकता है कि जुर्म कोई और करे पकड़ा कोई और जाए? अगर उनका हिस्सा है तो पकड़े जाने चाहिए, लेकिन अगर उनका कोई हिस्सा नहीं है तो क्यों पकड़े जाएंगे वो?
देखिए जहाँ तक इसमें जहाँ तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक का ताल्लुक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक का ताल्लुक है, वो अल्लाह ने माफ़ कर दिया रुफ़े अल-क़लम। और जहाँ तक बंदों के हुकूक का ताल्लुक है, बंदों के हुकूक नहीं माफ़ होते हैं। बंदों के हुकूक नहीं माफ़ होते हैं। कहते हैं बंदों के हुकूक, हुकूक अल इबाद मबनीयतुन अला शुह, बंदों के हुकूक शुह पर मबनी है, यानी उसमें वो कुशादगी नहीं है जो कुशादगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक में है। हाँ ठीक है, अगर कोई शख्स इस तरह का कोई गुनाह का काम करता है, यानी किसी का कुछ नुकसान पहुंचा दिया जानी या माली, तो दो चीज़ें उस पर मुरतब होती हैं, दो चीज़ें उस पर मुरतब होती हैं। नंबर एक गुनाह, वो शख्स गुनहगार होगा क्योंकि हुक्म की मुखालफत किया। नंबर दो जो नुकसान आया है उसकी भरपाई, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, तावान। अगर जान बूझ करके उसने किसी शख्स ने किसी को जानी और माली नुकसान पहुंचाया है, तो जानी नुकसान का बदला क़िसास और माली नुकसान का बदला तावीज़, बदला उसकी भरपाई। और अगर ख़तान किसी से ऐसा हो गया है, किसी बड़े इंसान से ख़तान अगर हो गया है, यानी जानबूझ के नहीं किया, तो गुनाह जो गलतियों के सुदूर पर सादिर होते हैं, मुरतब होते हैं, वो गुनाह उसको नहीं होगा क्योंकि उसने जानबूझ करके ये गलती नहीं की है, तो गुनहगार नहीं होगा। लेकिन दूसरा मसला अपनी जगह पर कायम है, जो नुकसान सामने वाले का हुआ है उसकी भरपाई करनी होगी क्योंकि सामने वाले की कोई गलती नहीं, और कहीं ना कहीं हमसे कोताही हो रही है, यानी हमारा उसके अंदर बंदों का बंदों के तई मामले में सामने वाला जो नुकसान उसके ऊपर आ रहा है, दूर और नज़दीक से उसका कोई उसमें लेना देना नहीं है, पर यहाँ कुछ न कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों की तरबियत में कमी, बच्चों की निगरानी में कमी, बच्चों की गाइडिंग में कमी, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खलल और फतूर आ रहा है जिसकी वजह से वो लोगों को नुकसान कर बैठता है। गांव देहात वगैरह में जब बकरीद का मौसम आता है ख़ास तौर से, वैसे तो साल भर रहता है, लेकिन जब बकरीद का मौसम आता है तो ख़ास तौर से एक शिकायत ज़रूर पहुंचती है गांव वालों को कि बकरों को लोगों ने छोड़ दिया है, वो खेतों में वो बकरे चले जाते हैं, और गांव के करीब के जो खेत हैं उस फसल को तबाही कर देते हैं, जिसको देखो उसका बकरा वहाँ पहुँचा हुआ करीब की फसल में। कहते हैं भाई कुर्बानी का बकरा है ये, इसको रस्सी नहीं लगनी चाहिए, इसको बांधना नहीं चाहिए, और इस तौर पर लोगों के जायदाद को तबाह करने का, बर्बाद करने का जरिया बन जाते हैं। नेकी के रास्ते से बर्बादी, नेकी के नाम पर लोगों को बर्बाद करने का रास्ता, यानी इबादत का धौंस लोगों के ऊपर ऐसा जमाया जाए कि लोगों की प्रॉपर्टी पर आप नुकसान का मामला करें और वो उफ तक न करें, ये तसव्वुर देना चाहते हैं आप? इस्लाम इससे बरी है। आप उसकी खिदमत कीजिए, आप उसको खिलाइए, उसको पिलाइए, उसको चराइए, लेकिन ऐसी जगहों पर जहां आपकी अपनी मिल्कियत हो, आप अपने खेत में ले जाके छोड़ दें, कौन मना करता है? वो पेट भर करके चर ले, लेकिन ऐसी जगह पर छोड़ें जहां दूसरों का नुकसान हो कर रहा है और कुर्बानी के नाम पर,
और कुछ लोग तो साल भर ही सिलसिले को बकरा है भाई, बकरी रहे तो उसको रस्सी लगाए, बकरे को क्यों लगाए? यूं खुला खुला उसको छोड़ देते हैं और तबाही और आफात का वो जरिया और सबब बन जाते हैं। और देखिए इस गैर शरई अमल की वजह से जो लोगों के यहाँ जारी हैं और उस पर नोट, उसको नोट नहीं किया जाता है, आपस के झगड़े होते हैं। देखें आपस के झगड़े क्यों हुए, गैर शरई अमल है, लोग उसका एहसास करें ना करें पर वो गैर शरई अमल है, इसी बुनियाद पर आपस के झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और वो झगड़े कभी कभार बहुत दूर तक खींच के जाते हैं। कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ लोगों ने ऐसे बकरों को पकड़ करके और सीधा वहाँ पहुँचा दिया, क्या बोलते हैं उसको, कानी हाउस, जहाँ जानवरों को बंद किया जाता है, खींच के वहाँ पहुँचा दिया। ये हक है उनका, ये उनका हक है कि जिनके माल का नुकसान हो रहा है वो उसकी हिफाजत का बंदोबस्त करें और वो अपने माल की जहाँ हिफाजत का बंदोबस्त करें, जिनके ज़रिए से नुकसान हो रहा है वो अपने उन जानवरों को या उस उन इंसानों को जिनके ज़रिए से नुकसान होने वाला है उन पर वो कड़ी निगाह रखें, उनको अपने कंट्रोल में रखें। और अगर हमारे कंट्रोल और तरबियत के अंदर अगर कहीं कमी हो रही है तो हमें उसका भुगतान भुगतना होगा। क्या भुगतान होगा? गुनाह तो नहीं मिलेगा क्योंकि हमने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा ऐसा ढील नहीं दिया उसकी रस्सी को, इधर भी वो लपक करके चर ले, इधर भी लपक करके चर ले, इनके खेत में भी उनके खेत, हमने ढील तो नहीं दिया, टाइट ही हमने रखा, लेकिन फिर भी कहीं कहीं धोखा दे गया। तो अगर हमारी तरफ से कमी और कोताही नहीं है तो हम गुनहगार तो नहीं होंगे लेकिन तावान हमें देना होगा। जो भी नुकसान हुआ है किसी भी इंसान का, हमारे किसी इंसान की तरफ से, हमारे किसी शख्स की तरफ से जो कि अभी मुकल्लफ और पाबंद नहीं हुआ है, यानी उस उम्र को नहीं पहुंचा है कि जिसमें इंसान मुकल्लफ होता है, लेकिन ऐसे नुकसान अगर आ रहे हैं जो इंसानी नुकसान हैं तो उसकी भरपाई करनी होगी। और अगर जानी नुकसान ये बच्चा कर बैठा, अल्लाह ना करे चाकू उठाया और किसी के ऊपर वो हमला कर दिया, अल्लाह ना करे, और उसकी वजह से वो शख्स, उसका मामला तमाम हो गया, भाई बच्चे ने तो ऐसा कोई कष्ट नहीं किया, मुमकिन है कि वो खेल कर रहा हो, समझता है वो सारी चीज़ों से खेला जाता है, इससे भी उसने खेल शुरू कर दिया और कहीं उल्टा सीधा इधर उधर लग गया, तो क्या बच्चे से किसास लिया जाएगा? नहीं, किसास नहीं हो सकता। किसास तो किसास की पाबंदी तो तब होगी जब कलम अपना काम शुरू कर दे, यहाँ किसास नहीं हो सकता, वो मरफूल कलम है। हाँ एक ज़रूर होगा कि दियत देनी होगी, दियत देनी पड़ेगी, 100 ऊँट की दियत, एक जान की कीमत जो बतौर दियत के तावान के शरीयत इस्लामिया ने मुतय्यन की है वो देनी होगी, क्योंकि यहाँ जो ख़ता हो रही है उसको उस मक्तूल के अवलिया नहीं, कातिल के अवलिया उसको बर्दाश्त करेंगे, कातिल के अवलिया, उनके यहाँ से कहीं ना कहीं कसूर और कहीं ना कहीं खलल हो रहा है जिसका भुगतान उनको भुगतना चाहिए। अला कुल्ले हाल ये शरीयत इस्लामिया ने ये मुकल्लफ जो किया है, पाबंद जो किया है, वो उम्र के एक मरहले पर पहुंचने के बाद पाबंदियों का सिलसिला शुरू हुआ है। ये मैंने लगे हाथों इशारा इसलिए कर दिया कि इस मरहले में भी कुछ तजावजात अगर हो जाते हैं तो वहाँ कुछ खलल और कमी की वजह से शरीयत इस्लामिया इंसानों के जो हकूक़ हैं वो उनको पामाल नहीं करता बल्कि उसका एहतराम करता है और उसकी तावीज़ करने का हुक्म देता है। अब सवाल यह है कि ज़कात के इस मसले में
क्या बच्चे के माल में ज़कात है या नहीं? आपने तो हदीस पढ़ दी, और फिर कलम अनसलास, कलम उठा लिया गया तीन किस्म के लोगों से, उसमें से एक बच्चा, तो क्या बच्चे के माल में ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं फ़र्ज़ है? अगर इस हदीस को आप पढ़ेंगे तो क्या होगा? फरीज़ा शुरू होगा बुलूग़त से पहले? नहीं, ऐसे ही मजनू भी है पागल, हत्ता युफीक, यहाँ तक कि वो होश में आ जाए, यानी वो होशो हवास में काम शुरू कर सके। तो जब तक ये शक्ल नहीं होगी, उस वक्त तक वो इस्लामी अहकाम का पाबंद नहीं होगा, फ़राइज़ का पाबंद नहीं होगा। तो क्या बच्चों के माल के अंदर ज़कात है, मजनू और पागल शख्स के माल में ज़कात है या नहीं है? ज़रा कुछ दे दीजिए, मैं देखता रहूँ टाइम, इसलिए ये घड़ी सही नहीं है। मजनू और पागल के माल के अंदर ज़कात है या नहीं ज़कात है, क्योंकि कलम इनके ऊपर से उठा लिया गया है। दोनों तरह की बातें अहले इल्म की तरफ से आई हैं, कुछ लोगों ने कहा है, कुछ लोगों ने कहा नहीं है। सही क्या है, बातें दोनों तरह की आई हैं, लेकिन क्या सही है? सही क्या होना चाहिए? होनी चाहिए ज़कात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मुकल्लफ ही नहीं है तो क्या? माल मुकल्लफ है नहीं। देखिए, सही बात यह है कि ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात बच्चे के माल में, यतीम के माल में, और मजनू पागल के माल में ज़कात फ़र्ज़ है। पाबंदी तो नहीं शुरू हुई है अभी उनकी ज़िंदगी में, पाबंदी के मसाइल तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन ज़कात उनके ऊपर फ़र्ज़ होगा। आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है, एक बार दोबारा उस आयत करीमा की तरफ पलटें और देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात लेने का हुक्म दिया, फरमाया खुद मिन अमवालिहिम, लोगों के माल में से आप ज़कात लें, सदक़तन तुतहिरुहुम वह तो ज़क्की हिम भी है, तो तहर हो वह तो ज़क्की हिम भी है। ज़कात लेने का बेनिफिट क्या है, उसका हदफ क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका समरा क्या है? तहारत और तज़किया, तहारत नफ्स हासिल होगा और तज़किया नफ्स हासिल होगा, जैसा कि इस ताल्लुक़ से गुज़र चुका है। और दुनिया में आने वाले हर शख्स को तहारत और तज़किए की ज़रूरत है, ख़ास तौर से इसके जो मुखातब मुसलमान हैं, वो हर हाल में अपनी तहारत और तज़किए के मोहताज हैं। और सिर्फ इंसान ही का तज़किया इसमें मकसूद नहीं, माल का भी तज़किया मकसूद है, माल की तत्हीर मकसूद है, जैसा कि इससे पहले आदाब के मौज़ू को ज़िक्र करते हुए मैंने इसकी वजाहत किया था कि माल का तज़किया यानी माल के अंदर पाए जाने वाले शर से, जो उसके अंदर शर है, फितना है, अगर उसको सेव करना चाहते हैं, उस माल को उस शर से और उस फितने से बचाना चाहते हैं, उस माल की पाकीज़गी है, माल को पाकीज़ा बनाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि माल का हक आप अदा कर दें, और वो है ज़कात की अदायगी। तो गोया कि इसके अंदर दो हकूक़ हैं, ज़कात के मसले में दो हकूक़ हैं, एक का ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से है, दूसरे का ताल्लुक़ बंदों से है। माल के अंदर फ़र्ज़ियत ज़कात के अंदर
دو حقوق ہیں، اللہ رب العالمین کا حکم سرانکوں پر، اور دوسرا ہے لوگوں کے حقوق، وہ فقراء، وہ مساکین، وہ محتاج جو ہمارے سماج میں موجود ہیں، انہیں ہماری ذات سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کہا آپ کے پاس جو مال ہے اس سے ان کی خبر گیری لیں، آپ کیا ہیں کیسے ہیں اس سے غرض نہیں ہے، آپ کا مال، آپ کے پاس اگر مال ہے تو اس مال سے ان کی خبر گیری کریں. اگر وہ بچہ ہے اور یہ کام خود نہیں کر سکتا ہے تو اس کام کو ان کے گھر کے ذمہ داران انجام دیں بچوں کی طرف سے. جیسے کہ حج کے موقع پر ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا الہذا حج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بچے کا حج ہوگا؟ قال نعم، بالکل حج ہوگا اس کا، ولک اجر. اور یہ جو تعاون کا عمل آپ کی طرف سے اس اہم عبادت کی انجام دہی کے لیے آپ کا جو تعاون ہوگا اس پر آپ اجر کے، مکمل اجر کے مستحق ہوں گے. ایسے ہی خیر کے سارے کاموں کے حوالے سے کہ بچوں کے مال سے، یتیم کے مال سے اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ بھی اجر کے مستحق ہوں گے، جیسا کہ وہ یتیم اور وہ بچہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی پر اجر کا مستحق ہوگا. اور مال کا وہ حصہ جو بطور زکوٰۃ کے اس کے اندر آ رہا ہے وہ حق ہے ہی نہیں ہے اس بچے کا، وہ حق ہے ہی نہیں ہے اس یتیم کا، اس پاگل کا، بلکہ یہ حق تو اس مسکین کا ہے، یہ حق تو اس فقیر کا ہے. اگر نہیں دیتے ہیں تو یہ دوسروں کا حق ہوگا جو اس مال کے اندر موجود رہے گا. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو سارے مسلمانوں کے مال میں ہے، کوئی بھی شخص اس سے مستثنا نہیں ہے، سارے مسلمانوں کے مال میں حق معلوم، اللہ نے متعین حق ذکر کر دیا ہے. تو مانگنے والے، نہ مانگنے والے، جو اس کے محتاج ہیں، جو اس کے مستحق ہیں، یہ ان کا حق ہے، انہیں یہ چیز ادا کرنی ہے. تو یہ دو حقوق ہو گئے، اللہ رب العالمین کا حقوق معاف ہے کیونکہ وہ بندہ اس کا اہل ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا. اور اس میں یعنی زکوٰۃ ایک اہم عبادت، زکوٰۃ ایک اہم عبادت ہے، اور اس عبادت کا پابند بچہ نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، عبادت کی ادائیگی کا وہ پابند نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے حق سے جو اس کا تعلق ہے. باقی مال کو دینے کے تعلق سے زکوٰۃ کے اندر کا جو دوسرا حصہ ہے کہ زکوٰۃ دی جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، گرچہ اس بچے کے ہاتھ سے اور اس مجنوں کے ہاتھ سے نہ صحیح، پر اس مال سے جو بھی ذمہ داران ہیں اس بچے کے، وہ اس کو ادا کریں. یہاں پر رک کر کے میں ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں. کیا تنبیہ؟ کیا بالغ ہونے سے پہلے بچہ مالدار ہو سکتا ہے؟ کہاں سے کمایا اس نے؟ میراث. بھئی ابھی تو اس کے ہاتھ پیر بھی مضبوط نہیں ہوئے، ابھی وہ تو کسی کام کا نہیں ہے، دوسروں کے اوپر بوجھ ہے، یہ مالدار کیسے ہو گیا؟ اس طرح کے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں. لیکن مالداری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کمائے تبھی مالدار ہو، وہ مرحلہ آنے سے پہلے بھی وہ اس درجے تک پہنچ سکتا ہے. اس درجے تک وہ بندہ پہنچ سکتا ہے کہ وراثت کے طور پر اسے مال حاصل ہوا ہو جو نصاب تک پہنچ رہا ہو، وراثت کے طور پر.
ऐसे ही उसकी पैदाइश के मौके पर माशाल्लाह रिश्तेदार करीबी घर के लोग इतना खुश हुए कि उसे बहुत सारा गिफ्ट और हदीये के तौर पर बहुत सारी चीज़ें दिए बच्चे को। वो किसकी मिल्कियत होगी? बच्चे ही की मिल्कियत होगी। बच्चा बड़ा हुआ, अभी बालिग तो नहीं हुआ लेकिन वो अकेला है मिसाल के तौर पर घर के अंदर, उसके वालिद ने, उसके चचा ने, उसके करीबी और रिश्तेदार ने, किसी और ने उसके नाम पर कोई चीज़ कर दिया, वो मिल्कियत किसकी हो जाएगी? बच्चे की मिल्कियत। ये सब चीज़ें मुमकिन है, ये सब चीज़ें हासिल होना मुमकिन है। तो अगर बच्चे के नाम पर कोई भी चीज़ हासिल होती है वो बच्चे की मिल्कियत होगी, बच्चा उसका मालिक होगा, वालदेन मालिक नहीं होंगे। ये बात समझनी चाहिए। बच्चे के कभी कभार ऐसा भी होता है कि वालदेन अपनी बच्ची के लिए जेवर बनवा देते हैं, जेवर कान में पहनने वाला, नाक में पहनने वाला, कभी कभार हाथ में कंगन वगैरह, कभी गले में हार के तौर पर। जब आप सब जोड़े हैं तो माशाल्लाह इतनी जेवर उसके पास, उस बच्ची के पास इकट्ठे हो गए कि वो 80-85 ग्राम से तजावज़ कर गया, पर वो अभी बच्ची है, अभी वो बालिग नहीं हुई। तो क्या उसके इस जेवर के अंदर ज़कात देनी होगी? माल है उसके पास, उसके अंदर ज़कात फ़र्ज़ है क्योंकि वही उसकी मालिक है, उसकी मिल्कियत। ऐसा नहीं है कि कोई और शख्स घर का, माँ हो या बाप, वो मालिक नहीं, मालिक वही बच्चा है, वही बच्ची है। तो बच्चों की मिल्कियत शरीयत इस्लामिया साबित करती है, शरीयत मानती है इस चीज़ को कि बच्चे अपने माल के मालिक होते हैं। इस पर झट से कुछ लोग ये पेश कर देते हैं, अंत व मालू का लिअबीक, अंत व मालू का लिअबीक, कि तुम और तुम्हारा माल या किसका है? बाप का, कि तुम भी अपने बाप की मिल्कियत हो और तुम्हारा माल जो कुछ हो तो वो भी तुम्हारे बाप की मिल्कियत है। तो फिर कहाँ वो मालिक रहा कि सब कुछ तुम्हारे बाप का है, तुम खुद भी और तुम्हारे पास जो कुछ मिल्कियत है ये सब भी किसका है? बाप की मिल्कियत है। तो अब वो बच्चा मालिक कहाँ रहा? बच्चा वो मालिक कैसे हुआ? इस तरह की बातें आती हैं। क्या कहना चाहिए कि बच्चा जो कुछ भी उसके पास आए वो सब वालदेन को ट्रांसफ़र हो गया? यही कहें, जो कुछ भी उसके पास आ रहा है सब ट्रांसफ़र हो रहा है, वो बालिग और नाबालिग बच्चों की बात नहीं कही गई इस हदीस में, सारे बच्चों की बात है। अंत मालू कर दिया अभी, गोया कि अगर उसके वालदेन ज़िंदा हैं और वो 80 साल का बच्चा है, हो सकता है ऐसे उसके वालदेन ज़िंदा हैं और वो बच्चा कितने साल का है? 80 साल का है, और तब तक जो कुछ भी वो अपना माल इकट्ठा कर रहा है, कमा रहा है, वो किसका है? उसके बाप का है, और वो 120 साल का है, तो किसकी मिल्कियत होगी? बाप की। बाप की मिल्कियत नहीं है वो बच्चे की मिल्कियत है। जो उस माल को वजूद, आदम से वजूद में लाने का ज़रिया और सबब बने वो उसका मालिक होता है, वही मालिक, जिसने कमाया वो उसका मालिक है, जिसने उसको हासिल किया वो उसका मालिक है, मिल्कियत उसी तक मुंतकिल हुई, कोई दूसरा मालिक नहीं। फिर इस हदीस का क्या मतलब है? अंत मालू का लिया भी,
क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा योसी कुम अल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़ अल-उन्थयैन, योसी कुम अल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे औलाद के बारे में वसीयत की है, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़ अल-उन्थयैन। और आगे चल करके माँ का भी नाम लिया, बाप का भी नाम लिया और कहा वलिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमस सुदुस, किन्हें बच्चों के माल में से कितना मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। ये पूरे के मालिक थे तो अब छठे पर कैसे आ गए, पूरे माल के मालिक थे तो छठे नंबर पर किसी ने पहुंचा दिया। इससे क्या पता चला कि बच्चे के माल का मालिक बच्चा ही है, वो चाहे छोटा सा बच्चा हो या बड़ा सा जवान हो, उसका मालिक वो है जिसने उसे हासिल किया है, जिसने उसको कमाया है, दूसरा मालिक नहीं है। पर हदीस का जो मफहूम है अंता उमालुक लि अबीक, तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है, इसका मफहूम क्या है? यहाँ लाम से लि अबीक के लाम से क्या समझना चाहिए, लि अबीक के लिए है, तो लाम किस माने में, ये लिए अभी एक हो गया लाम। ये जो लाम है, लाम लाम जेर ले दाल जेर दे, ये ले अभी एक में लाम जेर ले क्या है, ये किस माने में है ये लाम जेर ले? क्योंकि लाम तमलीक के लिए भी आता है, तमलीक यानी मालिक हो गया वो, और तमलीक के अलावा इस्तेमाल के लिए भी आता है, नफ़ा फ़ायदा, नफ़ा और फ़ायदे के लिए। क़ुरान में अल्लाह ने फरमाया हुवा अल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्ध जमीअन, ख़लक़ लकुम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया। तो तुम्हारे लिए का क्या मतलब है, इसका मतलब पूरी कायनात के आप मालिक हैं तभी वो आपके लिए हलाल है, पूरी कायनात के आप मालिक हैं और जब तक आप मालिक नहीं रहेंगे आपके लिए हराम रहेगा वो? लकुम में लाम तमलीक का नहीं, लाम इंतफा का है, दो माने में आता है, तमलीक के माने में आता है लाम तमलीक और इंतफा, इंतफा फ़ायदा उठाना, ये दोनों ही माने में इस्तेमाल होता है लाम, यानी आप फ़ायदा उठाने के मजाज हैं, फ़ायदा आप इससे उठा सकते हैं, फ़ायदा इससे उठाने का हक है आपको, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मतलब ये निकला ली अभी का मतलब ये हुआ कि बाप व बाप और बाप में माँ भी दाखिल है, वो भी शामिल है बदरजे औला, बाप औलाद के माल में, माल में से फ़ायदा उठा सकता है। तो हर एक के माल से कोई शख्स फ़ायदा उठा सकता है, आपके माल से मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ, हमारे माल से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उनके माल से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ फ़ायदा उठाने से क्या मकसूद है, यहाँ मकसूद ये है कि इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, इजाज़त की कोई हाजत नहीं है, आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको हलाल कर दिया है। औलाद की जो भी प्रॉपर्टी है, औलाद के अंडर में जो भी चीज़ें हैं, वालदेन के हाथ को पकड़ने की इजाज़त शरीयत इस्लामिया ने औलाद को नहीं दी। अगर वो किसी चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं तो औलाद मना कर दें, रोक नहीं लगा सकते, मना नहीं कर सकते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये इजाज़त आ चुकी है, वो उनके लिए हलाल है। इसीलिए सबसे अफजल दुनिया की चीज़ों में इंसान के लिए उसकी अपनी कमाई होती है,
सबसे अफजल कसब, सबसे अफजल कमाई इंसान की अपने खुद के हाथ की कमाई होती है। वह इन न औलादकुम मिन कसबिकुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह इन औलादकुम मिन कसबिकुम, और तुम्हारे औलाद तुम्हारी ही कमाई का हिस्सा है। तो सबसे अफजल कमाई इंसान की उसके अपने हाथ की कमाई है, जिसे वो खाए इस्तेमाल करे ज़िंदगी गुजारे। और दुनिया में सबसे अफजल, दुनिया के ये सबसे अफजल कमाई का एक हिस्सा था, और औलाद तुम्हारी कमाई का एक हिस्सा है, गोया कि इंसान ने उसको कमाया है इसलिए उसको खा सकता है, जो कमाई हुई चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल कर सकता है, उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो इस मसले से ये बात क्लियर और वाज़े हो जाती है कि ज़कात की फ़र्जियत तो बच्चों के माल पर तभी आएगी जब वो बच्चे ख़ुद अपने माल के मालिक हो जाएं। चलिए बच्चों को मसला तो समझ में आ गया, क्या बीवी भी मालिक हो सकती है? औरत है वो, उसके पास भी अगर कुछ है और वो निसाब तक माल पहुंच रहा है, क्या वो भी ज़कात देगी? क्या वो अपने माल की मलकन बन सकती है, अपने माल की, उसके अपने नाम की कुछ जायदाद हो सकती है, या हमेशा वो खाली ही हाथ रहे? जब तक वो माँ बाप के घर में है तब तक वो खाली हाथ है, क्योंकि वहाँ उसको कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है, और जब उसकी शादी हो जाए तो वहाँ पहुँचे वहाँ भी वो खाली हाथ है, कोई चीज़ उसके पास नहीं है। क्या यही मकाम शरीयत ने दिया हुआ है औरतों को? नहीं। जैसे कि मर्दों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक़ दिया कि विरासत में से हिस्सा उनको मिलेगा, ऐसे ही औरतों का भी हिस्सा शरीयत इस्लामी ने मुतय्यन कर दिया। अगर दो हिस्से मर्दों के लिए हैं तो एक हिस्सा औरत को, दो हिस्से मर्दों को इसलिए क्योंकि उन्हें घर भी चलाना है और लोगों पर खर्च भी करना है, हत्ता कि औरत का खर्च भी उन्हीं लोगों को उठाना है और इन्हें किसी के ऊपर खर्च नहीं करना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों को एक हिस्सा मर्दों को दो हिस्सा देने की बात कही, तो ये उनकी मिल्कियत हो गई। मेहर में जो पैसे उनको आए ये भी उन्हीं की अपनी ज़ाती मिल्कियत है, हदिये और तोहफे के तौर पर अगर कोई चीज़ उनके पास आए ये भी उनकी अपनी मिल्कियत है, यहाँ तक कि अपने पास के माल को बतौर कारोबार के अगर वो कहीं लगा दें उससे बेनिफिट आए, ये उन्हीं का अपना, उन्हीं की अपनी मिल्कियत है। जैसे कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा करती थी, कारोबार करती थी, ये उनकी अपनी मिल्कियत थी, कोई उसमें शरीक नहीं था। शौहर ये न समझे कि बीवी के पास का जो माल है वो अपना ही है, और उससे कुछ पूछने की भी ज़रूरत भी नहीं है, और इतने मुश्किलात से हजरत शौहर जो गुज़र रहे हैं, और बीवियों के पास माल व जायदाद की एक रकम है, अच्छी खासी रकम है, और वो देने से कतरा रही हैं, वो खर्च नहीं करना चाह रही हैं, और अगर खर्च नहीं करना चाह रही हैं तो वो औरत ही कैसी है? वो औरत ही कैसी है जो अपने शौहर के ऊपर अपने माल को खर्च ना करे इस दिन रात के लिए हो, गोया कि वो तमाम ही हालात में अपनी सारी चीज़ों को उनके ऊपर जब तक वक्फ ना कर दे वो औरत नहीं हो सकती। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाती हैं और वो कहती हैं कि मैं अपने माल की ज़कात अपने शौहर को देना चाहती हूँ, क्या ऐसा करना सही है? क्या जवाब दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तुम्हें दोहरा अजर मिलेगा, माल की ज़कात अपने शोहर को देना चाहते हैं कितना मिलेगा? दोहरा अजर मिलेगा, एक तो ज़कात की अदायगी का अजर और दूसरा सिला रहमी का अजर।
सबसे करीबी इंसान को आप ज़कात दे रहे हैं तो आपको तो दोहरा अजर मिलना है। अब ये चीज़ तो मर्दों को बहुत बुरी लग जाए कि ज़कात की हम ही मुज़दई ठहरे, बाकी माल माल के हिस्से को क्यों नहीं देते? इतने सारे माल दौलत हो करके और हम कल्लाश हैं, इतना नहीं समझ में आता कि घर के हम अहम फर्द हैं और हमारे पास नहीं है, इनके पास मौजूद है, और ये बीवी ही कैसी कि जो अपने शौहरों के ऐसे हालात को देख कर अनदेख बन जाए। तरबियत देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि कोई किसी के हद में जाकर तजावुज़ करने की जुरात नहीं कर सकता था, ऐसी ऐसी तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। मर्दों को यह हक़ हासिल नहीं है कि दूसरों के माल को ललचाई हुई निगाह से देखें या किसी भी शक्ल से उस पर कब्ज़ा जमा लें और फिर उसको वापस भी ना करें, और अपने रिश्ते का उसमें बीच में हवाला दे करके और मामले को रफा दफा कर लें। ये जुल्म ज़्यादती की जो शक्लें चल रही हैं, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हर एक को हक़ हासिल है कि माल जिसके पास है वो उसका मालिक है। मालिक होने का माना ये है कि वो उसमें तसर्रुफ़ करने का पूरा इख्तियार उसे शरीयत ने दे रखा है, अपनी मर्ज़ी, अपनी चाहत और अपने इख्तियार से वो जहाँ जैसा चाहें वो उसको सर्व करें। हाँ, उन्हें नसीहत की जा सकती है, उन्हें समझाया जा सकता है, उन्हें बताया जा सकता है कि ऐसा करने में अजर ज़्यादा है, ऐसा करने में खैर ज़्यादा है, लेकिन कब्ज़ा जमाने की कोशिशें और उसके लिए नाराज़गियाँ और उसके लिए जुल्म और ज़्यादतियाँ ताकि हर एतबार से उस माल को हड़प सकें और समेट सकें, तो ये इस दौर की ख़तरनाक किस्म की ज़्यादती है जो लोगों के बीच में धड़ल्ले के साथ चलती है, और इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होने की हिम्मत और हौसला कोई अपने अंदर नहीं पाता। तो इसे पता चला इस वाक़े से कि माल का मालिक वो शख्स है जिसके पास वो माल है, और ज़कात देनी है बच्चों की तरफ से भी और पागल शख्स की तरफ से भी। उस शख्स को ज़कात देनी है जो उनका ज़िम्मेदार है और माल निसाब तक पहुंचा हुआ है और उसके अंदर शुरूत पाए जा रहे हैं, तो ज़कात की रकम ऐसे लोगों को अता करनी है। तो ज़कात देनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये फ़कीर का हक है, मोहताज का हक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हक़ को साकित करने की इजाज़त नहीं दी है, ये हक़ अदा ही करना है। माल के अंदर हक है, ये माल जिसके पास भी हो, अगर मुकल्लफ और पाबंद शख्स के पास है तो ख़ुद से अदा करें, और अगर वो गैर मुकल्लफ है पर उसके पास माल है और उसके अंदर गरीबों का हक आ रहा है, शुरूत पाए जा रहे हैं, तो उसके जो औलिया और ज़िम्मेदार हैं बच्चों और पागलों के, तो वो लाजमी तौर पर उसकी ज़कात अदा करेंगे। क्योंकि ज़कात की शरईयत जो है वो माल की पाकी के लिए हुई है, जहाँ इंसान के नफ्स की पाकी उससे मकसूद है वहीं माल की पाकी भी मकसूद है, और ग़रीबों के हकूक़, फ़कीरों और कल्लाशों और मोहताजों के जो हकूक़ हैं उनकी अदायगी भी उससे मकसूद है और जुड़ी हुई है। तो इसलिए सही और राजे मसलक ये है, तकलीफ़ के हवाले से, पाबंदी के हवाले से, कि ये पाबंदी और तकलीफ़ शर्त नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो पाबंद हो, यानी वो उम्र के उस मरहले में पहुंच चुका हो जिस मरहले में पहुंचने के बाद इंसान पर इस्लाम के फ़राइज़ मुरतब होते हैं, आते हैं। तो बकिया सारे फ़राइज़ के हवाले से यही है कि वो इंसान बालिग हो चुका हो, आकिल हो, पर आकिल और बालिग होना
زکوٰۃ کے مسئلے کے لیے شرط نہیں ہے. عاقل اور بالغ ہونا، عاقل اور بالغ ہونا زکوٰۃ کے مسئلے کے لیے شرط نہیں ہے. یعنی پابندی کے مرحلے تک پہنچنا شرط نہیں ہے، بلکہ گرچہ کچھ لوگوں نے اس کو شرط کے طور پر ذکر کیا ہے، پر راجح جیسا کہ میں نے ذکر کیا، راجح مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کے مال میں بھی زکوٰۃ ہے، پاگل کے مال میں بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ یہ مال فقیروں کا حق ہے جو ہر حال میں ادا کیے بغیر چارہ نہیں. آخری بات میں ذکر کر کے اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. چوتھی اور آخری شرط، تو تیسری شرط کے حوالے سے بات کلیئر ہوئی کہ پابندی شرط ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، پابندی شرط ہے زکوٰۃ کے شرائط میں سے. یعنی مزکی کا پابند ہونا شرط ہے کہ وہ پابندی کے مرحلے تک، عمر تک پہنچے؟ نہیں. تو راجع قول کے مطابق یہ شرط نہیں ہے. تکلیف یہ، گرچہ بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ اسے عاقل اور بالغ ہونا چاہیے، پر عاقل اور بالغ ہونا یہ شرط نہیں ہے، یعنی پابند ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. تمام لوگوں کے مال کے اندر زکوٰۃ فرض ہے. تو یہ دو شرط ہو گئی، اسلام اور آزادی. یہ شرط جو پابندی والی شرط ہے کہ بالغ ہو جائے گا اس کے بعد اس کے مال میں زکوٰۃ ہوگی، عاقل ہو بالغ ہو، عاقل ہو یعنی پاگل نہ ہو، بالغ ہو یعنی بچہ نہ ہو، تو عاقل اور بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے. تکلیف کا مطلب کیا ہوا؟ عاقل اور بالغ، عاقل کا الٹا پاگل اور بالغ کا الٹا بچہ. یعنی پاگل کے مال میں زکوٰۃ اور بچے کے مال میں زکوٰۃ. اگر بالغ کی شرط مانیں گے تو بچے کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، عاقل کی شرط مانیں گے تو پاگل کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. پر صحیح بات کیا ہے کہ یہ دونوں ہی شرط نہیں ہیں، خالی یہ دونوں شرط، یہ تیسرا شرط نہیں ہے، یہ تیسرا شرط نہیں ہے. عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں ہے، شرط وہ مسلمان ہو اور آزاد ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نیت اور ارادے سے اس کام کو انجام دے، کیونکہ نیت تمام ہی عبادات کے لیے شرط. اگر صحیح نیت کے ساتھ عبادات کے کام انجام پاتے ہیں تو وہ چیز ادا ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام ہی اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. اور زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اور عبادت کی ادائیگی کے لیے نیت کا پائے جانا ضروری ہے. بلا نیت عبادات کا انجام پایا جانا یہ ممکن نہیں ہے. تو نیت یہ شرط ہے ساری عبادات کے لیے، اس میں سے ایک عبادت زکوٰۃ کی عبادت بھی ہے. تو یہ کل کتنے شروط ہو گئے مزکی کے لیے، زکوٰۃ دینے والے کے لیے؟ تین ہوئے. یہ پہلی شرط ہے اسلام، یہ شرط معتبر ہے. یہ دوسری شرط ہے آزادی، یہ شرط بھی معتبر ہے. تکلیف اور پابندی کی شرط، تکلیف اور پابندی میں دو چیزیں آتی ہیں، عقل اور بلوغ، اور نہ ہی عقل یعنی اس کا الٹا پاگل، اور بلوغ یعنی اس کا الٹا بچہ. تو عقل اور بلوغ یہ دونوں شرط نہیں ہیں. تو جب یہ دونوں شرط نہیں ہیں یعنی ان دونوں کے مال میں زکوٰۃ دینی ہوگی، تو پھر تکلیف کی یہ شرط صحیح نہیں ہے، یہ شرط صحیح نہیں ہے. تو یہ دو شرطیں ہو گئی، یہ تیسری شرط ہو گئی نیت کی شرط، کیونکہ عبادات نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوتے. تو یہ کل تین شرطیں ہیں، چار شرطیں اہل علم ذکر کرتے ہیں، پر اس میں سے ایک شرط غیر معتبر ہے راجع قول کے مطابق.